हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 के बारे में। और काफ़ी लोगों के मन में ये मतभेद बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि जो चुनाव है ये 2025 में होगा, कुछ लोगों का कहना है 2026 में होगा। तो इसकी क्या सच्चाई है, पूरी रियलिटी जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको प्रूफ के साथ सारी चीज़ें दिखाऊंगा। जो पंचायती राज विभाग है उसके द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है चुनाव को लेकर के, कि चुनाव किस ईयर में होगा, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे पंचायत चुनाव से संबंधित इंपॉर्टेंट जो अपडेट होते हैं उसको मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ। साथ ही साथ सरकारी योजनाओं से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है उसको मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो ऐसे में आप चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो पे। तो दोस्तों, बात करें अगर पंचायत चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछला पंचायत चुनाव हुआ था वो अप्रैल 2021 में हुआ था। तो पंचायत चुनाव का जो एक तरीके से कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। तो इस हिसाब से पंचायत चुनाव का जो कार्यकाल है वो 2026 में समाप्त हो रहा है। तो 2026 में चुनाव इसका होना एक तरीके से तय है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें ऐसी भी हो गई थी पंचायत चुनाव में, जिसको लेकर के काफ़ी लोगों के माइंड में ये मतभेद चल रहा था उत्तर प्रदेश में, कि चुनाव 1 साल पहले हुआ यानी कि 2025 में होगा। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि कहा यह जाता है कि पिछली बार जो पंचायत चुनाव हुआ था वो 6 महीने बाद हुआ था। तो अगर 6 महीने बाद पंचायत चुनाव हुआ था तो ये जो पंचायत चुनाव वो 6 महीने पहले होना चाहिए, ताकि सारी चीज़ें समय से हो जाएं। कुछ लोगों का ये मानना है कि चुनाव समय से पहले होना चाहिए, यानी कि जो पंचायत का जो कार्यकाल है 5 सालों का वो 2026 में पूरा हो रहा है अप्रैल में, लेकिन पंचायत चुनाव 6 महीने पहले होगा यानी कि नवंबर 2025 में हो जाना चाहिए 6 महीने पहले, ताकि जो पिछली बार 6 महीने का लेट हुआ था वो फिर से लेट ना हो और उसमें वो चीज़ें मैनेज हो जाएं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ और बाकी की बातें हम लोग स्क्रीन पे समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया है पंचायती राज मंत्रालय का, जो कि पूरे भारत में जहाँ पे भी पंचायत चुनाव संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं वो सारे अपडेट यहाँ से मिलते रहते हैं। और ये केंद्र सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अच्छे तरीके से बना हुआ है, पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो यहाँ पर एक राज्य नहीं, सभी राज्य के अंदर जो चुनाव की स्थिति है उसको यहाँ पर बताने का काम किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो सबसे पहला राज्य आ रहा है वो आंध्र प्रदेश है। और इसका जो जब पिछली बार चुनाव हुआ था, यहाँ पे लिखा भी गया है वर्ष एवं माह जब पिछली बार चुनाव हुआ था, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था ग्राम पंचायत फरवरी 2021 में हुआ था, और ब्लॉक पंचायत का जो चुनाव हुआ था अप्रैल 2014 में, जिला पंचायत का 2014 में हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे पिछली का, फिर यहाँ पे अब अगली कब होगा, तो वर्ष एवं माह जब अगली पंचायत चुनाव होगी, ग्राम पंचायत का चुनाव फरवरी 2026 में होगा और जो आयोजित होगा अप्रैल 2019 में होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, बाकी यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। बात करें दूसरे राज्य की, तो दूसरे राज्य का यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसका कब चुनाव हुआ था, 2020 में हुआ था नवंबर में, तो इसका अगला जो चुनाव होगा वो नवंबर 2025 में होगा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है यहाँ पर आपका, बिहार में जो भी एक तरीके से जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार में भी जो चुनाव हुआ था वो अप्रैल मई 2016 में हुआ था, फिर अगली बार जब चुनाव आयोजित होगा मार्च अप्रैल 2021, इसको लेकर के अभी इसमें कुछ खास अपडेट नहीं है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पूरा अपडेट आ रहा है, फरवरी 2020 में हुआ था तो फरवरी 2025 में चुनाव होगा। तो इसी तरीके से हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आप गुजरात का देख सकते हैं, गोवा का, हरियाणा का, पंजाब का और जम्मू कश्मीर, झारखंड का, यहाँ पर कर्नाटक का, केरल का, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पांडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, राजस्थान में भी फरवरी 2025 में पंचायत चुनाव होने की पूरी संभावना बन रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी गया है। और पिछला जो पंचायत चुनाव हुआ था वो 2020 में हुआ था। अब इन सबको छोड़ते हैं, हम लोग स्पेशली बात करने वाले यहाँ पे उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के। तो 29 नंबर पर हमारा क्रम संख्या है, 29 पे हमारा उत्तर प्रदेश आ रहा है। अब यहाँ पे आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ, ये 29 नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आ रहा है। तो वर्ष एवं माह जब पिछली बार चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, अप्रैल 2021 में हुआ था। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट लिखा गया है, वर्ष एवं माह जब अगली बार चुनाव आयोजित होगा अप्रैल 2026, ठीक है, अप्रैल 2026 होगा, ये पूरी तरीके से क्लियर है यहाँ पर। और ये कहाँ पर क्लियर है, पंचायती राज के ऑफिशियल वेबसाइट पर, पंचायती राज विभाग में क्लियर है। तो ऐसे में जिनको भी लग रहा है कि चुनाव 6 महीने पहले होगा, पिछली बार लेट हुआ था इसलिए 6 महीने पहले होगा, तो यहाँ पे आपको पूरा पूरा समझ जाना चाहिए कि अप्रैल 2026 में ही चुनाव होगा और ये 100% श्योर होने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी और इसको मैंने आपको दिखा दिया है,
अब बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको एक तरीके से पंचायती राज के ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखाया कब चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में 2026 में चुनाव होने की पूरी संभावना है, अप्रैल 2026 में चुनाव होगा। तो अगर आप एक तरीके से उम्मीदवार हैं तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, एक से डेढ़ साल का टाइम बचा है और इसी में आपको अपनी तैयारी करनी है। और यहाँ पर बात करें अगर संभावित तिथि की, तो जो पंचायत चुनाव होने वाला वो 1 या 2 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा। और आपको पता है यूपी कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, काफ़ी बड़ा राज्य है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव को एक साथ करवाना, एक दिन करवाना, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि सरकार के पास उतने संसाधन नहीं उपलब्ध हैं, उतने कर्मचारी नहीं उपलब्ध हैं कि एक बार में सभी चुनाव को करवा लिया जाए। तो इसलिए दोस्तों इसको 4 चरण में बांटा जाएगा और चारों चरण का अलग अलग डेट पर चुनाव होने वाला है और उस हिसाब से उनका नामांकन होगा। नामांकन आपको पता होगा कि चुनाव से जिस दिन मतदान होता है उसे 10 से 15 दिन पहले नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है। जो उम्मीदवार होते हैं वो अपना जो भी डॉक्यूमेंट लगता है उसको लेके जाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं और दावेदारी प्रस्तुत करते हैं कि हाँ हम एक तरीके से उम्मीदवार हैं इस पद के लिए। तो इस हिसाब से 1 अप्रैल से ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और पहले चरण की अगर हम लोग बात करें तो पहला चरण होगा आपका 1 से 2 अप्रैल में और नामांकन होगा, बाकी जो चुनाव होगा वो 8 से 9 अप्रैल तक चुनाव होगा इसका। और इसी तरीके से दोस्तों दूसरा चरण तीसरा चरण भी होने की संभावना है। तो ऐसे में एक अपडेट थी, और जिनको भी लगता है कि 6 महीने पहले चुनाव होगा, क्योंकि बहुत लोगों ने ये उम्मीद लगाई थी जो भी एक तरीके से पिछली बार पंचायत चुनाव के उम्मीदवार रहे थे, उन्हें ये लग रहा था कि ये जो कार्यकाल होने वाला वो सिर्फ और सिर्फ 4.5 साल का होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को इग्नोर किया गया है, 4.5 साल का नहीं, ये कार्यकाल पूरी तरीके से 5 साल का बढ़ा दिया जाएगा और 2026 में चुनाव होगा। और यहीं पर बात करें जो पहले चरण में जिले आने वाले हैं, वो पहले चरण में जो जिला आएगा वो गाजियाबाद है, सहारनपुर है, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, प्रयागराज, महोबा, रायबरेली, झांसी, अयोध्या, हरदोई, श्रावस्ती, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही और संतकबीरनगर। तो ये जो जितने ज़िले हैं पहले चरण में आने वाले हैं। और यहीं पे हम लोग बात करेंगे दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, मैनपुरी, बदायूं, एटा, कन्नौज, इटावा, चित्रकूट, लखनऊ, ललितपुर, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़, ये दूसरे चरण में इनके यहाँ चुनाव होने की पूरी संभावना बन रही है। बात करें तीसरे चरण में जो जिले आने वाले हैं, तो तीसरे चरण में जो जिले आने वाले हैं वो शामली है, मेरठ, पीलीभीत, कासगंज, औरैया, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, अमेठी, बलिया, देवरिया, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर, बाराबंकी, बलरामपुर और चंदौली, ये जो ज़िले हैं ये तीसरे चरण में पंचायत चुनाव में होंगे। चौथे चरण की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बुलंदशहर, हापुड़, संभल, अलीगढ़, शाहजहाँपुर, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, सीतापुर, गाजीपुर, बहराइच, कुशीनगर, बस्ती, मऊ, सोनभद्र, ये चौथे चरण में पंचायत चुनाव इनके यहाँ होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मतदान का, तो मतदान का जो दिनांक एक तरीके से होने वाला वो सबका अलग अलग होगा, लेकिन मतगणना एक साथ होगी। जितने भी चरण के चुनाव हो रहे हैं सब में मतगणना एक साथ होगी। और मई में मतगणना है कि हो सकता है 2 मई के आसपास, संभावित तिथि है 2 मई 2026 के आसपास मतगणना हो जाए। और 10 मई तक जो नए प्रधान बनेंगे, जो विजेता होंगे, उनको कार्यकाल की एक तरीके से जिम्मेदारी दे दी जाएगी, उनका वहाँ पर शपथ समारोह हो जाएगा। तो इस तरीके से नई पंचायत शुरू हो जाएगी। तो अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, और इस पंचवर्षीय की बात करें तो यहाँ पे लगभग 3.5 साल का समय पूरा हो चुका है। तो 1 से 1.5 साल में ये पंचायत चुनाव का जो कार्यकाल है ये पूरा पूरा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद से चुनाव का बिगुल बजना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, आपने पिछली बार भी प्रयास किया था लेकिन आपको सफलता हाथ नहीं मिली है, तो आपको इस बार भी नहीं चूकना है। इस बार आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। आपको ये देखना है कि आपने पिछली बार क्या गलतियाँ की थी जिसकी वजह से आपको हार का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ कुछ अपडेट इम्पोर्टेंट ये भी है कि अब जैसे ही पंचायत चुनाव का नज़दीक समय आएगा तो वोटर लिस्ट में काम स्टार्ट हो जाता है। तो आपको हमेशा जागरूक रहना है, वोटर लिस्ट में जैसे ही काम शुरू होता है आपको अपने क्षेत्र में, अपने गांव में जितने भी नए बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, जितने भी नए बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनका आपको डेटा कलेक्ट करना है आधार कार्ड का, और उसके बाद ले जा करके उनका वोटर लिस्ट में एक तरीके से नाम बढ़वाना है, उनका वोटर लिस्ट बनवा लेना है, ताकि आपके ग्राम सभा के अंदर जो नए वोटर हैं उनकी भी वहाँ पे उपस्थिति हो जाए। और फिर आप एक तरीके से अगर आप ये सारी चीज़ें करवाते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन भी जाएगा ग्राम सभा के अंदर, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी जानना चाहिए कि पंचायत चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में पिछले 5 साल के अंदर क्या क्या जानकारी, मतलब क्या क्या काम हुए हैं ग्राम सभा के अंदर, कितने पैसे कहाँ पर लगाए गए, खर्च किए गए, इन सब चीज़ों को भी जान करके आप लोगों के बीच में जागरूक लोगों को कर सकते हैं। और बात करें यहीं पे त्यौहार की, तो आपको पता होगा दिवाली एक तरीके से नज़दीक है, दशहरा एक तरीके से नज़दीक था,
हो चुका बीत चुका है। तो ऐसे में जितने भी त्यौहार आने वाले हैं, इस त्यौहार में आपको ये कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रामीण लोगों के बीच में रहिए, लोगों की समस्याओं को सुनिए और आपसे जो भी बन पड़ता है आप ग्राम सभा में लोगों के लिए कीजिए। तो इससे आपकी एक अच्छी छवि बनेगी ग्राम सभा के अंदर। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए पिछले पंचवर्षीय में गाँव में कितना पैसा या कहाँ पर कितना काम हुआ, कहाँ पर कितने रोड बने हैं, नालियाँ बनी हैं। तो इन सब चीज़ों को आप जब जानते रहेंगे तो आप मुद्दा उसको बना सकते हैं। साथ ही साथ जब आप नए प्रधान बनेंगे तो आपको ये भी पता रहेगा कि आप कहाँ पे क्या चीज़ें करवाने वाले हैं या क्या चीज़ें आप करवा सकते हैं। तो इसको जानने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लोग RTI भी डालते हैं, लेकिन RTI में उतना जल्दी आपको उतने अच्छे तरीके से जवाब नहीं मिलता है, ना जानकारी मिलती है। तो चिंतित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको A to Z जितने भी काम हुए हैं ग्राम सभा के अंदर पिछले 5 साल के अंदर, चाहे वो मनरेगा के अंतर्गत काम हुआ हो, वृक्षारोपण हुआ हो, नाली और 15वीं के अंतर्गत काम हुआ, नाली खंजा, हैंडपम्प, रिवोर, स्ट्रीट लाइट, कितने लोगों को आवास की सुविधा मिली हुई है, कितने लोगों को शौचालय मिला हुआ है, कितने लोगों को वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन मिल रहा है, इन सब की डिटेल आपको जानी हुई है। सारी जानकारी हम आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस पे प्रोवाइड करा देंगे, वो भी एक दिन के अंदर अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिया गया इस नंबर पे आपको संपर्क करना है, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल पे बात करनी है, उसके बाद से आपको वहाँ पे सारी डिटेल बताई जाएगी। और अगर आप सैंपल देखना चाहें तो 2-4-5 फाइल आपको फ्री में पहले सैंपल के तौर पे दिखा दिया जाएगा ताकि आपको यकीन हो जाए, उसके बाद आप पेमेंट करके पूरी फाइल मंगा सकते हैं। तो ये है स्पेशली जो उम्मीदवार हैं उनके लिए, और ये बहुत ही काम की चीज़ है। आप इसको आधार बना करके, मुद्दा बना करके लोगों के बीच में जा सकते हैं और अपना प्रचार अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मिला जुला करके इस वीडियो का जो मेन पर्पस था ये बताने का था कि पंचायत चुनाव जो है वो अपने तय समय पे होगा और 2026 में होगा, अप्रैल महीने में 2026 में होगा। और ये पंचायत राज विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे अपडेट हैं, और आपको मैं यहाँ पे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं ताकि आपको पूरा विश्वास हो जाए। बाकी और भी जो अपडेट आते रहेंगे पंचायत चुनाव से रिलेटेड, जो भी नए बड़े बदलाव होंगे वो मैं यहाँ पर आपको शेयर करता रहूँगा आपके साथ। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।